हेलो एवरीवन, ये इस लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं प्रिकॉशन ऑब्जर्व ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। जब भी हम कोई इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये है इसका सिलेबस और ये टॉपिक नंबर 3 का सब टॉपिक है। हम इलेक्ट्रिक एंड इसके इफेक्ट देख चुके हैं ऑलरेडी, और क्या अब हम इसके बाद ये कवर करेंगे कि क्या क्या प्रिकॉशन हमें यूज़ करना चाहिए किसी भी इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हमें इस टॉपिक में हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। जैसे सबसे शुरू में हम जब कोई भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी वायर लूज़ ना हो या कोई भी कनेक्शन लूज़ ना हो। तो इससे क्या हो जाएगा, अगर कनेक्शन लूज़ रहेगा तो हमारा एक्सपेरिमेंट अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होगी तो उसी पे बेस्ड है। तो अब हमें क्या चेक करना चाहिए कि उसमें कोई लूज़ कनेक्शन ना हो। फेमिलराइज वन सेल्फ विथ ऑन एंड ऑफ बटन, हमें क्या होना चाहिए, हमें पहले ही ये क्या फेमिलियर मतलब कि हमें पहले ही देख लेना चाहिए कि अगर वहाँ पे कहाँ से ऑन होगा कहाँ से ऑफ होगा और स्विचेस को डिसकनेक्ट कैसे करते हैं, जैसे जब भी कोई फॉल्ट होगा ताकि हम उसे डिसकनेक्ट कर सकें। इसलिए हमें पहले ऑन और ऑफ देख लेना चाहिए। ओनली मेक चेंजेस टू द एक्सपेरिमेंटल सेटअप व्हेन द सर्किट पावर इज टर्न ऑफ, हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें एमीटर क्या होता है, जो करंट का मेजर करता है। तो जैसे कि जो एमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, तो हम उसे जैसे कि हमें यहाँ से उसे यहाँ शिफ्ट करना है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि स्विच ऑफ है या नहीं। तो अब उसके बाद क्या होगा, यूज़ वायर ऑफ सूटेबल लेंथ फॉर देयर अप्रोप्रिएट लेंथ, क्या होना चाहिए कि हमें जितना वायर चाहिए, जितना हमें लेंथ चाहिए, तो हमें उतने लेंथ की वायर यूज़ करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि लॉन्ग वायर जो होता है वो क्या करता है, वो क्लटर इन द बेंच एंड वेरी शॉर्ट वायर कनेक्शन टू टाइट एंड मे बी इजिली डिसकनेक्टेड। क्या होगा कि जो अगर ज़्यादा लंबा यूज़ कर लेंगे तो क्या होगा, ये फालतू वेस्टेज होगा और ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, क्योंकि लेंथ और रेजिस्टेंस क्या होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ज़्यादा लेंथ रहेगा तो ये भी गलत है, और अगर कम लेंथ रहेगा तो क्या होगा, कनेक्शन जो होगा एकदम टाइट होगा, जैसे यहाँ एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ एक इंस्ट्रूमेंट है, तो क्या होगा, बहुत टाइट कनेक्शन होगा। तो इसलिए ये क्या कर हो सकता है, इजिली डिसकनेक्ट हो सकता है, तो इसलिए हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सेपरेट हाई पावर इक्विपमेंट विथ लो पावर इक्विपमेंट, जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर हो गया। ये इसलिए ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि दोनों के बीच कोई इंटरफेरेंस या फिर कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ना हो, क्योंकि ये दोनों अगर पावर अलग अलग है तो वो लोग के बीच बहुत डिफरेंस होगा। तो इसे हमें क्या करना चाहिए, सेपरेट रखना चाहिए। मेक श्योर दैट ऑल डीसी सप्लाईज एसी सोर्सेज एंड अदर पावर स्टार्ट फ्रॉम जीरो वोल्टेज, क्या होना चाहिए कि हमें ये पहले मेक श्योर करना चाहिए कि जो भी हमारी सप्लाई है वो क्या हो, जीरो से स्टार्ट हो, ताकि हमारी रीडिंग गलत ना आए। टर्न ऑफ ऑल द इक्विपमेंट्स बिफोर लीविंग द लैब, अगर हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया तो हमें क्या करना चाहिए, सारे इक्विपमेंट्स को ऑफ कर देना चाहिए। डू नॉट अलाउ अ सिंगल यूज़र टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट अलोन, मेक श्योर दैट एटलीस्ट टू यूज़र परफॉर्म दैट, जब भी क्या होगा 50 वोल्ट DC, मतलब कि ऐसा है कि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है तो उसे हमें किसी को सिंगल नहीं परफॉर्म करने देना चाहिए, एटलीस्ट टू मेंबर्स उसे परफॉर्म करें, ताकि यहाँ पे कोई गड़बड़ ना हो और एक्सपेरिमेंट भी अच्छे से हो पाए। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि वर्क इन्वायरमेंट, वर्क इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या क्या प्रिकॉशन हमें देखना चाहिए। सबसे पहले तो फेमिलराइज वन सेल्फ विथ एग्जिट्स ऑफ द लेबोरेटरी, जैसे कि हमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लैब में हम एंटर कहाँ से करते हैं वो तो है। उसके बाद क्या देखना चाहिए कि कहाँ से एग्जिट होगा, जैसे जब भी कोई फॉल्ट हो ताकि हम वहाँ से एग्जिट कर सकें। अवॉइड अ क्लटर्ड वर्क इन्वायरमेंट, क्या होगा क्लटर मतलब कि अव्यवस्थित, अव्यवस्थित मीन्स कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो उसके जो सारे ऑब्जेक्ट जो भी हम इक्विपमेंट्स उसमें यूज़ करें वो सब क्या हो, सिस्टमेटिक हो। हैव अ पेन, कैलकुलेटर, लैब नोटबुक, ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी हमें अपने साथ रखना चाहिए, ताकि हम उसमें अच्छे से ऑब्जर्वेशन नोट करें। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है अप्रोप्रिएटली कूल एंड लेबल वार्म इक्विपमेंट, हमें पता है कि हीट डिसिपेशन के कारण क्या होता है, इक्विपमेंट्स जो क्या आते हैं वार्म हो जाते हैं, तो हमें उसे क्या करना चाहिए, लेबल करना चाहिए एंड उसे अप्रोप्रिएटली कूल करना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्लॉथिंग एंड पर्सनल रिक्वायरमेंट, पर्सनल रिक्वायरमेंट और जो क्लॉथिंग है हमें उसमें कैसे ध्यान रखना चाहिए, हमें कोई भी ज्वेलरी या मेटल वॉचेस ये सारी चीज़ें नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि ये सब क्या है, कंडक्टर है, तो उसे हमें किस तरह लॉस हो सकता है। और क्या है, डू नॉट वेयर हैंगिंग नेकलेस, ग्लासेस, टाइज, ये सारी एसेसरीज भी हमें कैरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये किसी रोटरी मशीनरी एंड किसी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए क्या होता है, इसके लिए खतरा रहता है, क्योंकि अगर जैसे कि किसी कोई रोटेटिंग मशीन है तो उसमें फंस सकता है या फिर इस तरह से हमें हार्म पहुंच सकता है।
ऑल्सो अवॉइड हैंगिंग ग्लासेस अराउंड द नेक. क्या होता है, हमें भी अपने ग्लासेस कभी ऐसे हैंग नहीं करने चाहिए क्योंकि ये इजिली किसी भी रोटेटरी मशीन में फंस सकते हैं, ग्रैब हो सकते हैं. वी आर सेफ्टी ग्लव्स ऑल द टाइम ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट. हमें सेफ्टी ग्लव्स पहन के रखना चाहिए. और क्या है इसके बाद कि जैसे कि, और ये क्या होता है, PPE मतलब कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. तो ये भी क्या होता है, इसे भी हमें वियर करके रखना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कॉमन PPE इंक्लूड्स क्या क्या होता है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में, हम क्या क्या यूज़ करते हैं, क्या क्या यूज़ करते हैं, कोट यूज़ करते हैं, हाई वोल्टेज इंसुलेटिंग ग्लोव्स यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए यूज़ करते हैं. तो हमें ये सब पहन के रखना चाहिए. थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी. अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू.